इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ड पावर मेड इजी का सेशन 4 और 5। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं सेशन आगे के जो सेशन होंगे, जैसे दो सेशन हम एक साथ कर लेंगे और तीसरा सेशन हम लोग अलग से करेंगे, क्योंकि जब हम किताब को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो आपके शुरुआत का पहला सेशन होता है या दूसरा सेशन होता है, तो उसके उन पूरे ही चैप्टर्स में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं हमें मिलती है। इस वजह से हमें आप जब तीसरा चैप्टर आते हैं तो हमें अच्छी खासी वोकैबुलरी मिलती है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया था कि हम शुरुआत के दो सेशन जो होंगे उन्हें एक साथ कर लेंगे और बाकी के जो सेशंस होंगे उनको, जो तीसरा सेशन होगा उसे हम अलग से करेंगे। तो ये हमने अपने लास्ट वीडियो में डिसाइड कर लिया था। तो आज का ये वीडियो जो है हमारा, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, यानी कि डॉक्टर्स के किसे हम कौन से डॉक्टर को क्या कहते हैं, और उससे रिलेटेड जितनी वोकैबुलरी है वो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल से भी पढ़ लिया होगा और जिन लोगों के पास किताब है उन्होंने भी पढ़ लिया होगा। अब बिफोर वी मूव ऑन टू द चैप्टर, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट टू थ्री थिंग्स। पहली तो बात तो ये कि कुछ लोगों ने कहा कि क्या किताब हम खरीदें या ना खरीदें, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा सर मेरे पास फलानी किताब है, वो वाली किताब है, तो हम किताब खरीदें या नहीं खरीदें। तो देखो, मेरा ऐसा मानना है कि ये किताब अपने आप में एक बहुत अच्छी किताब है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इस किताब के प्रमोशन के लिए कुछ कहा गया, मुझे प्रमोशन से कुछ नहीं करना। सिंपल सी बात यह है कि किताब अच्छी है, जिन लोगों ने पढ़ी है वो सभी तारीफ करते हैं, मैंने भी इस किताब को बहुत बार पढ़ा है। तो चूंकि ये किताब बहुत अच्छी है इसलिए मुझे मैं ये किताब को काफ़ी लोगों को सजेस्ट करता हूँ। अब वो आपकी मर्जी है, आपको ये किताब पढ़नी है तो आप इसको कंटिन्यू करिए, खरीद लीजिए। आपको नहीं पढ़नी है आप सेशन से कर लीजिए, जो आपको ठीक तरीका लगे आप उस तरीके से पढ़ सकते हो, आप उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये बात समझ में सभी को आ गई होगी। शुरू करें आज की इस क्लास को जिसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट डॉक्टर्स। ये होगा हमारा सेशन नंबर, जैसा कि आप टाइटल में भी देख पा रहे हैं कि सेशन नंबर 4 और 5 होगा। बाकी के जो तीन वीडियोस हैं वो आप लोग यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप में से जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं वो मेरे बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज देखना चाहते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस कोर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, ये मेरा चल रहा है 8:30 से 10 बजे तक का मेरा ये कोर्स होता है। दूसरा है कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश वोकैबुलरी फॉर SSC CGL 2019, तो इसमें कंप्लीट वोकैबुलरी का कोर्स है, 7 से 8 बजे तक इसमें क्लास होती है। तीसरा हमारा मंडे से शुरू हो रहा है जो कि है कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश, जो कि है 20 जनवरी से 4 बजे से 6 बजे तक हमारा इसमें क्लास चलेगा। इन सभी कोर्सेज में और इन सभी टीचर से पढ़ने के लिए आप मेरा रेफरल कोड नोट कर लो, जो कि है AMANT, जो कि मेरा रेफरल कोड है, जहां से आप इस रेफरल कोड को इस्तेमाल करके 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 5400 में और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4320 रुपीज में मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी टीचर से पढ़ पाएंगे, डाउट सेशंस देख पाएंगे, वीकली और मंथली टेस्ट सीरीज देख पाएंगे, वीडियोस डाउनलोड कर पाएंगे ऑफलाइन मोड में, और PDF डाउनलोड कर पाएंगे और नोट्स देख पाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक चीज, आप लोगों से एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। देखो यार, एक तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, क्योंकि इस चैनल पर आपको ये पूरी बुक की समरी तो मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहता हूँ, लेकिन एटलीस्ट एक दो फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कर दो। तो थोड़ा थोड़ा भी अगर हम शेयर करेंगे तो एटलीस्ट वी विल कीप रीचिंग टू द लार्जर ऑडियंस। तो थोड़ा थोड़ा हम अगर और लोगों तक पहुँचते रहेंगे तो आप अगर मुझे थोड़ा सा, आप देखिए थोड़ा मैं आपको पुश करता हूँ पढ़ने के लिए, आप मुझे थोड़ा सा पुश कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट अगर आप दिखाएंगे तो मैं पूरी सीरीज को कंप्लीट कर पाऊंगा और इस चैनल पर वीडियोस को कंटिन्यू कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है और वेबसाइट पर जो भी आपको असाइनमेंट मिल रहा है वो सारा फ्री है, ठीक है। अब इस सभी फ्री कंटेंट को जारी रखने के लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप लोग थोड़ा सा शेयर करते रहें और आप लोग अपना सपोर्ट बरकरार रखें। तो प्लीज कीप सपोर्टिंग। वीडियो अगर देख रहे हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दो, अगर पसंद आ रहा है तो एक दो लोगों के साथ शेयर कर दो, जिससे कि बाकी लोग भी देख पाए और फिर मैं इस तरीके की वीडियोस को कंटिन्यू कर पाऊं, ठीक है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैं एक दिन बाद में PDF आप लोगों को सेशन की दे देता हूं। तो टेलीग्राम चैनल जिन्होंने नहीं करा हुआ है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करें आज के सेशन को। ये आपका आज का पहला रूट वर्ड है, दैट इज गाइनी। गाइनी जो रूट वर्ड है ये हमने आपके सेशन 1 में भी देखा था, आप लोगों को याद होगा। गाइनी रूट वर्ड हमने सेशन 1 में भी देखा था, जिसका मतलब हो जाता है वेमेन। तो गायनेकोलॉजिस्ट बन गया, दो टर्म बने, एक हुआ गायनेकोलॉजी और एक हो गया गायनेकोलॉजिस्ट। देखो, जिसमें IST लग जाता है वो हो जाता है आपका कॉमन नाउन, और गायनेकोलॉजी क्या हो गया, एक सब्जेक्ट का नाम हो गया, स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, यानी कि महिलाओं के समस्या से रिलेटेड, जो महिलाओं की जो भी बीमारियां होती हैं उनसे रिलेटेड जो समस्याएं पढ़ी जाती हैं जिसमें,
उसे हम कहते हैं आपका गायनेकोलॉजी, करेक्ट है। और गायनेकोलॉजी से क्या बनता है, गायनेकोलॉजिस्ट दैट इज फीमेल डॉक्टर, शी इज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इन अ लंदन हॉस्पिटल, वो लंदन के एक हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट है। तो उस तरीके से आपका ये टर्म इस्तेमाल होता है। अगला शब्द हमारा है इसी का एडजेक्टिव बन जाता है गायनेकोलॉजिकल। तो गायनेकोलॉजिकल मतलब हो गया जो इसी से एडजेक्टिव, समथिंग विच इज रिलेटेड टू गायनेकोलॉजी, वो आपका हो जाता है गायनेकोलॉजिकल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे शी इज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इन अ लंदन हॉस्पिटल, लंदन के एक हॉस्पिटल में वो एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट है, यानी कि महिलाओं की विशेषज्ञ है, या जिसे आप शुद्ध हिंदी में कहते हैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगला टर्म इन्होंने रूटवर्ड हमें देते हैं, दैट इज ऑब्स्टेट्रिक्स। अगला रूटवर्ड ही क्या देते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मिडवाइफ। मिडवाइफ जिसे हम हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे हम दाई कहते हैं। दाई माँ कौन होती है, दाई माँ वो होती है जो आपको जन्म देने में माँ की मदद करती है, जो हु हेल्प्स, ठीक है। तो ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, मिडवाइफ। और मिडवाइफ का मतलब हो जाता है द लेडी हु हेल्प्स इन डिलीवरिंग बेबीज, ठीक है। तो बेबी को डिलीवर करने में जो महिला मदद करती है उसे हम ऑब्स्टेट्रिक्स या उसे मिडवाइफ कहते हैं, मिडवाइफ वो हो गया। इसी से टर्म बना आपका ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन क्या हो गया, ऑब्स्टेट्रिशियन एक तरीके का डॉक्टर हो गया, ये भी कॉमन नाउन हो गया। मीनिंग क्या हो गया, अ डॉक्टर हु इज ट्रेंड इन ऑब्स्टेट्रिक्स, वो डॉक्टर जो कि ऑब्स्टेट्रिक्स में ट्रेंड है, यानी कि वो डॉक्टर जो डिलीवर बेबीज को डिलीवर कराने में ट्रेंड है, जो बेबीज की डिलीवर कराता है उसे हम कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया आपका, हर ऑब्स्टेट्रिशियन कुड नॉट बी प्रेजेंट एट द बर्थ, बर्थ के समय आपका ऑब्स्टेट्रिशियन यानी कि जो आपका डॉक्टर था डिलीवर बेबीज के डिलीवर वाला, वो नहीं अवेलेबल था। इसी से एडजेक्टिव बन जाता है ऑब्स्टेट्रिकल, ठीक है। और ICICAN अगर किसी में लगा होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सपर्ट, जो किसी चीज में एक्सपर्ट है, जो विशेषज्ञ है, करेक्ट। अगला वर्ड हमें इसमें मिलता है पैडोज, ठीक है। पैडोज वर्ड का मतलब क्या हो जाता है, पैडोज का मतलब होता है चाइल्ड। पैडोज का मतलब क्या हुआ, चाइल्ड। तो इसी से वर्ड बना आपका पीडियाट्रिशियन। ICAN का मतलब मैंने पहले ही बताया, एक्सपर्ट, ठीक है। IATER का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, जो यहां पर IATER लगा हुआ है इसका मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, किसी को मेडिकली हील करना, किसी को मेडिकली टच करना, मेडिकली हील करना मतलब उसे ठीक करना, ट्रीट करना। तो पीडिया मतलब हो गया आपका चाइल्ड, तो चाइल्ड मेडिकल हीलिंग एक्सपर्ट मतलब क्या हुआ, अ स्पेशलिस्ट इन द केयर ऑफ बेबीज, जो बच्चों की देखभाल करता है, जो बच्चों के केयर करता है, जो बच्चों का डॉक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं, पीडियाट्रिशियन, ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, इन काबुल ही हैड प्लान्स टू वर्क एज अ पीडियाट्रिशियन। काबुल में उसके प्लान्स थे टू वर्क एज अ पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन की तरह काम करने के। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे याद रख सकते हो, पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक मतलब क्या हो गया, द पीडियाट्रिक आपका उसी इस पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, मतलब द डिपार्टमेंट विच, ये पीडियाट्रिक क्या है, एडजेक्टिव। अब डिपार्टमेंट के आगे पीडियाट्रिक लग जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, पीडियाट्रिक का मतलब हो जाता है आपका द डिपार्टमेंट विच डील्स विद द केयर ऑफ चाइल्ड। तो जो वो डिपार्टमेंट जो बच्चों की चाइल्ड के लिए, बच्चों की केयर के बारे में डील करता है, कनेक्टेड विद द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद चिल्ड्रन एंड दियर डिसीज, जो बच्चों के बीमारियों से रिलेटेड है वो हो जाएगा पीडियाट्रिक। और पीडियाट्रिशियन हो गया वो व्यक्ति जो बच्चों के बीमारियों से रिलेटेड केयर करता है, ठीक। अगला टर्म हमें मिलता है डर्मा। डर्मा का मीनिंग क्या हो गया, डर्मा का मतलब हो जाता है स्किन। डर्मा का मतलब क्या हुआ, स्किन। तो डर्मेको, अब देखो डर्मेटोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट मतलब हुआ एक्सपर्ट, डर्मेटा मतलब हो गया स्किन। तो मीनिंग क्या हो गया, अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द स्किन इट्स स्ट्रक्चर फंक्शंस एंड डिसीजेस, जो स्किन यानी त्वचा से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड जिन्हें ट्रीट करता है उसे हम क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो उसे हम कह देंगे स्किन डॉक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो, माय डॉक्टर इज रेफरिंग टू मी अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मेरा डॉक्टर मुझे एक डर्मेटोलॉजिस्ट की तरफ रेफर कर रहा है, यानी कि मुझे कह रहा है कि आप अपने स्किन डिसीज वाले डॉक्टर को दिखाइए। अगर आप में से कोई अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो अमन टी मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकता है, और अगर आप मोर देन 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, दैट इज 8299117042, सॉरी ये गलत है, 8299117042 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपका, 8299117042 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे आप मुझे मैसेज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट के बारे में बात कर सकते हैं। चलिए अगला वर्ड हमारा हो जाता है ऑप्थेल्मोज। ऑप्थेल्मोज का मतलब क्या होता है, ऑप्थेल्मोज का मीनिंग हो जाता है आपका आई।
ऑप्थेल्मोस का मीनिंग क्या हुआ आपका, आय, ठीक है, आय मतलब आंखों का हो गया, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट मतलब हुआ एक्सपर्ट, तो ऑप्था मतलब हो गया आय, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मीनिंग क्या हो गया, अ मेडिकल प्रोफेशनल हु स्टडीज एंड ट्रीट्स प्रॉब्लम्स एंड डिसीजेस ऑफ द आय, वह व्यक्ति, वह मेडिकल प्रोफेशनल जो पढ़ता है और ट्रीट करता है आंखों की से रिलेटेड समस्याओं को, आंखों के से रिलेटेड बीमारियों को, उसे हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कैन टेल इफ योर आईज हैव बीन अफेक्टेड बाय डायबिटीज, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि एक आंखों का विशेषज्ञ ही बता सकता है कि आपकी आंखें डायबिटीज से अफेक्टेड हैं या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट याद रखेंगे क्या हुआ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से ही बन, ऑप्थेल्मा से ही बनता है ऑप्थेल्मोलॉजिकल, जो कि हो जाता है एडजेक्टिव, यानी कि वह डिपार्टमेंट जो आपका ऑप्थेल्मोलॉजिकल है, यानी कि जो आंखों से रिलेटेड समस्याओं को ट्रीट करता है। ठीक है, तो गायनेकोलॉजी हमने कर लिया है, गायनेकोलॉजिस्ट हमारा हो चुका है, ऑब्स्टेट्रिक्स ये वर्ड हमारा हो गया, इसी से वर्ड बनता है आपका ऑब्स्टेट्रिशियन, जैसे ICAN, ICAN का मतलब मैंने क्या बताया, एक्सपर्ट, तो उसी से क्या बनता है ऑब्स्टेट्रिशियन, ये नंबर मैं बार बार करेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये गलत लिख गया है, दैट इज 8299117042। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन मतलब मैंने आपको बताया अ डॉक्टर हु इज ट्रेन्ड इन ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब इन डिलीवरिंग बेबीज। ठीक है, इसी से बनता है म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मतलब क्या हुआ, एक्सपर्ट इन म्यूजिक, यानी कंपोजर ऑफ म्यूजिक, जो म्यूजिक को कंपोज करता है, जो म्यूजिक को क्रिएट करता है। इसी से बना फिजिशियन, फिजिशियन का मतलब, ICAN का मतलब हो गया एक्सपर्ट, मतलब हो गया डॉक्टर स्पेशली वन हु इज स्पेशलिस्ट इन जनरल मेडिसिन एंड नॉट सर्जरी। तो फिजिशियन, जैसे आपको मान लीजिए कोई भी बीमारी होती है, जनरल फिजिशियन को आप दिखाते हो, क्यों, क्योंकि फिजिशियन क्या करता है आपका, वो सर्जरी नहीं करता है, फिजिशियन वो किसी भी बीमारी का आपको ट्रीटमेंट कर देगा, कोई भी बीमारी मान लीजिए अगर किसी को हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं आपका फिजिशियन, क्योंकि जो यहाँ पर दो रूट वर्ड आया, एक ICAN का मतलब हो गया आपका एक्सपर्ट, दूसरा रूट वर्ड है फिजिया, ये इसका रूट वर्ड हो जाता है आपका फिजिया, फिजिका, फिजिका का मतलब हो जाता है थिंग्स रिलेटेड टू नेचर, इसका मतलब हो जाता है थिंग्स रिलेटेड टू नेचर, यानी कि कुल मिला के वो किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट करता है आपका, इज नॉट एक्सपर्ट ऑफ अ सर्टेन फील्ड, वो आपके जनरल कोई भी बीमारी होती है उसका ट्रीटमेंट करता है। इसी से ही आपका वर्ड बनता है मैजिशियन, तो मैजिक यानी कि जो मैजिक में एक्सपर्ट है, मैजिक ट्रिक्स में एक्सपर्ट है, वो क्या हो गया मैजिशियन। इलेक्ट्रीशियन हो गया वह व्यक्ति जो आपको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को बहुत अच्छे से डील करता है, उनको करेक्ट करता है, वो हो जाता है आपका इलेक्ट्रीशियन। और इसी तरीके से वर्ड बना आपका ऑप्टिशियन, तो ऑप्टिशियन में जो रूट वर्ड आता है वो आता है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब होता है आपका लाइट यानी कि रोशनी, और शियन मतलब हो गया एक्सपर्ट, तो ऑप्टिशियन मतलब हो गया एक्सपर्ट इन लाइट, कहने का मतलब हुआ वह व्यक्ति जो आपके लेंसेज बनाता है, वह व्यक्ति जो आपके ग्लासेस बनाता है, उसे हम कहते हैं आपका ऑप्टिशियन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म इसलिए है ये आपका ऑप्टिशियन, क्योंकि आप जैसे आप अगर आप चश्मा बनवाते हो, फॉर एग्जांपल मैं चश्मा लगाता हूँ, तो मेरा जो चश्मा है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं ट्रीट चेक करता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अगर मेरी आंख में कोई दिक्कत होगी तो वो चेक करेगा, ट्रीट करेगा, लेकिन जो मेरा चश्मा चेक करता है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं होता है, वो होता है ऑप्टिशियन, क्योंकि ऑप्टिशियन का काम है वो चश्मे बनाना या लेंसेज बनाना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड मैंने आपको पैडोस पीडियाट्रिशियंस बताया हुआ है, स्पेशलिस्ट इन द केयर ऑफ बेबीज, तो ये सारे वर्ड मैंने आपको करवाए हुए हैं। इसके बाद अगला टर्म आता है पीडिया से ही, अगला वर्ड जो दोबारा हमने जो सेशन टू की बात हो रही है हम लोगों की, तो इसमें जो दोबारा रूट वर्ड बना वो बना आपका पेडागोजी। ठीक है, पेडागोजी जो बच्चे यहाँ पर TET करते हैं, TET की तैयारी करते हैं, वो लोग जरूर जानते होंगे। ठीक है, वो लोग इसका मीनिंग, वो लोग इस टर्म को जरूर जानते होंगे, वो लोग पेडागोजी पूरा पढ़ते हैं। देखो पेडा का मतलब क्या हो गया, चिल्ड्रेन। ठीक है, चिल्ड्रेन हो गया, इसी से एक टर्म इसमें आया अगोगोज, दूसरा रूट वर्ड इसमें क्या है अगोगोज, तो अगोगोज का मतलब क्या होता है लीडिंग, तो मीनिंग क्या हो गया इसका, द लीडिंग ऑफ चिल्ड्रेन, क्या मतलब हुआ लीडिंग ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों को किस तरीके से लीड किया जाना है, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाना है, द आर्ट साइंस और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का जो तरीका है, जो पढ़ाने की जो साइंस है, उसे हम क्या कहते हैं पेडागोजी कहते हैं, और एडजेक्टिव इसका पेडागोजिक भी होता है, पेडागोजिकल भी हो जाता है और पेडागोजी भी होता है, तो पेडागोजी का मतलब हुआ कि द आर्ट साइंस और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। ठीक है, क्योंकि जैसे हम पढ़ाने की जो कला है, जो पढ़ाने की पूरी आर्ट है, दैट इज कॉल्ड पेडागोजी, द स्टडी ऑफ टीचिंग मैथड्स, द स्टडी ऑफ
टीचिंग मेथड्स इज कॉल्ड पेडागोजी. दिस इज नाउन बेसिकली, दिस इज नॉट एन एडजेक्टिव, दिस इज नाउन. ठीक है, और इसी से इसका एक और नाउन होता है पेडागॉग. तो पेडागॉग किसे कह सकते हैं? पेडागॉग हम एक टीचर को कह सकते हैं जो पढ़ा रहा है, जो यानी कि पेडागॉग मतलब क्या हो गया, पढ़ाना, और पेडागोजी हो गया द साइंस ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड पेडागोजी. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, शान नेवर डेवलप्ड अ पेडागोजी ऑफ हर ओन. उसने अपना कोई पढ़ाने का तरीका डेवलप नहीं किया शान ने. ठीक, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है. अगला वर्ड आता है पेडोस से रिलेटेड, दूसरा ही रूट वर्ड है, दैट इज पेडिस. अब पेडिस का मतलब क्या होता है? पेडिस का मीनिंग हो जाता है फुट, पैर. पेडिस का मतलब क्या हो गया? फुट या फिर पैर. ठीक, तो इससे आपका पहला वर्ड बनता है, आपका पहला वर्ड बनता है पेडिस्टल. क्या वर्ड बना? पेडिस्टल. तो पेडिस्टल का मीनिंग क्या हो जाता है? पेडिस्टल. पीस, इसमें आपका दो वर्ड आया, पेडिस मतलब हुआ फुट, पेडिस्टल मतलब हो गया द बॉटम पार्ट ऑफ अपॉन विच समथिंग रेस्ट्स और इज सपोर्टेड. बॉटम पार्ट जिस पे कुछ रेस्ट करता है या सपोर्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं पेडिस्टल. ठीक है, तो पेडिस्टल का मीनिंग क्या हो गया? अ बॉटम पार्ट अपॉन विच समथिंग रेस्ट्स और इज सपोर्टेड इज कॉल्ड पेडिस्टल. गॉट इट? सिनोनिम क्या हो जाएगा? बेस या फिर फाउंडेशन किसी भी चीज का, उसे कहते हैं पेडिस्टल. इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि पेडिस का मतलब हुआ फुट. फुट कहाँ होता है? सबसे नीचे. तो वो क्या करता है? हमें सपोर्ट करता है. इसीलिए पेडिस्टल का मतलब क्या हो गया? अ बॉटम पार्ट अपॉन विच समथिंग रेस्ट और इज सपोर्टेड इज कॉल्ड पेडिस्टल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टेंट या फिर डिसएंचेंटमेंट, यानी कि किसी से मोहभंग होना या किसी से आपका डिसएंचेंटमेंट होना, आप किसी से बिल्कुल ही मतलब आप अलग हो गए हो, बिल्कुल रुख आपका अलग हो गया है. एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हो द म्यूजियम डिस्प्लेड द ज्वेल्स ऑन अ पेडिस्टल इनसाइड अ ग्लास केस. यानी कि म्यूजियम ने जो ज्वेलरीज थी उनको एक पेडिस्टल यानी कि एक फाउंडेशन, एक बेस पर रखा एक ग्लास केस के अंदर. अगला वर्ड डेमोस. डेमोस का मतलब होता है पीपल यानी लोग, और एगोगोस का मतलब मैंने आपको बताया है टू लीड. ठीक है, तो डेमोगोगस, अब इसी से बना डेमेगोगी. ठीक है, डेमेगोग, इससे वर्ड आता है आपका डेमेगोग्स. डेमेगोग का मतलब क्या हो जाता है? ऐसा हटा लीजिए, डेमेगोग का मतलब होता है अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू विन सपोर्ट बाय यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन इमोशन रादर देन रीजन. यानी कि हम ऐसी बातें करते हैं कि जो आप में लोगों को बड़ी अच्छी लगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल फिलहाल में एक बीजेपी लीडर ने कहा कि जिन लोगों ने विरोध किया उनको हमने गोलियों से भून दिया या उनको मारा पीटा. तो इससे क्या हो रहा है? जो लोग उनके पक्ष में हैं ये उनको बड़ा अच्छा लग रहा है. ठीक है, तो दिस इज अ इमोशनल अपील, एक तरीके की इमोशनल अपील कर रहे हो रादर देन बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट्स रीजन. इस तरीके की आपके 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 डिलीवरी या इस तरीके के भाषण आप लोग हर तरफ से सुनते हैं, जैसे ओवैसी जी भी कभी कभी कहते हैं. तो डेमेगॉग का मतलब क्या हो गया? एक पॉलिटिकल लीडर जो कि सपोर्ट खींचने की कोशिश करता है ऐसे आर्ग्यूमेंट्स पेश करके जिससे आप लोगों की अपील, लोगों के इमोशंस को खींच सकते हो अपनी तरफ. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत ही ज़्यादा रैशनल आर्ग्यूमेंट पेश नहीं कर रहे. यू आर नॉट पुटिंग आर रैशनल आर्ग्यूमेंट, सिर्फ आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हो. तो डेमोगॉग का एक मतलब भड़काऊ भाषण देना भी होता है. भड़काऊ भाषण देना, इसका एक मतलब भड़काऊ भाषण देना भी होता है. ठीक है, समझ में आया? चलिए, सिनोनिम क्या हो जाएगा? एजिटेटर या फिर एक्साइटर, जो एक्साइट करे लोगों को, भड़काए या एजिटेट करे, भड़काने के सेंस में आ जाता है आपका डेमेगोग. एंटोनिम क्या हो जाएगा? पीस मेकर, रिकनसाइलर या यूनाइटर, यानी कि जो लोगों को जोड़े, जो शांति की बात करे, रिकनसाइल करे, आपस में जोड़ने की बात करे, यूनिटी की बात करे. ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं दैट पॉलिटिशियन इज जस्ट अ डेमेगोग हु प्रेज अपॉन बाकी हु प्रेज अपॉन द पीपल. ठीक है, तो आप इस तरीके के आप इसे याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट आपका वर्ड था. ठीक है, डेमोगॉग का मतलब हो जाता है एक तरीके से जो भड़काऊ भाषण देने वाले के सेंस में आ जाता है डेमोगॉग. ठीक है, और डेमेगोजी क्या हो जाएगा? इसी द एक्ट ऑफ मतलब ऐसे ही भड़काऊ भाषण देने को हम कह देते हैं डेमेगोजी. ठीक है, पेडागॉग मैंने बताया, पेडागॉग किसे कह देंगे? पेडागॉग हम टीचर को कह देंगे हु थिंक्स दे नो मोर देन अदर पीपल. ऐसे टीचर को जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि उसे दूसरों से ज्यादा आता है, उस व्यक्ति के लिए आएगा पेडागॉग. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्टर या हेडमास्टर. ठीक है,
और अ टीचर हु थिंक्स दे नो मोर देन अदर पीपल, उसके लिए आ जाएगा पेडागॉग. एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं अ पेडागॉग हुज क्लासरूम लेसन्स कंसिस्टेड एंटायरली ऑफ रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इन अ मोनोटोन. तो अ पेडागॉग हुज क्लासरूम, एक पेडागॉग एक टीचर जो कि जिसके क्लासरूम जो लेसन्स थे जो कंसिस्ट कर रहे थे डायरेक्टली रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इन मोनोटोन, मतलब एक ही टोन में जिसमें कुछ बदलाव नहीं, कुछ चेंजेस नहीं, कुछ भी नयापन नहीं होना. डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने आपको बताया है, स्किन किससे रिलेटेड डॉक्टर को हम कहते हैं. आप लोगों को कुछ शब्द रिपीट होते दिख रहे होंगे, उसका कारण यह है क्योंकि हम जब सेशन टू की बात कर रहे हैं तो सेशन टू में आपको कुछ शब्द रिपीट होते दिखेंगे. ठीक है, चलिए. हाइपोडर्मिक क्या होता है? हाइपोडर्मिक मतलब हो जाता है आपका हाइपोडर्मिक. अब देखो इसी से बना आपका एक टर्म हाइपोडर्मिक. ठीक, डर्मा का मतलब आपको पता है क्या है? स्किन. डर्मा का मतलब क्या हो गया? स्किन. ठीक है, अब इसी से वर्ड आपका बना हाइपोडर्मी. तो इसमें पहला वर्ड आया हाइपोस. ठीक, तो हाइपोडर्मिक का मतलब क्या हो गया? हाइपोडर्मिक नीडल पेनिट्रेट्स अंडर द स्किन. ठीक है, तो हाइपोडर्मिक का मतलब हुआ स्लेंडर हॉलो इंस्ट्रूमेंट बाय विच मटेरियल इज पुट इनटू और टेकन फ्रॉम द बॉडी थ्रू द स्किन, उसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिक. ठीक है, तो हाइपोडर्मिक का मतलब क्या हो गया? आपका एक छोटा सा हॉलो इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा कोई भी मटेरियल बॉडी में अंदर एंटर किया जाता है या फिर बाहर निकाला जाता है, उसे कहते हैं हाइपोडर्मिक. तो एक तरीके का इंजेक्शन. ठीक है, आप इसे हाइपोडर्मिक, जिसे इंजेक्शन भी कहते हैं क्योंकि हाइपो का मतलब एक तरीके से अंडर भी हो गया. तो सिनोनिम क्या हो जाता है? नीडल या फिर सिरिंज. ही हार्डली फेल्ट इट व्हेन द नर्स स्टक द हाइपोडर्मिक इन हर इन हिज आर्म, यानी कि जब उसकी आर्म में नर्स ने इंजेक्शन को इंसर्ट किया तो उसने शायद हल्का ऐसा कुछ फील किया. अगला टर्म आपका है डर्मा, पता है स्किन, उसी से वर्ड बना एपिडर्मिस. अब देखिए टर्म आया एपिडर्मिस. एपिडर्मिस का मतलब क्या होगा? ये भी आपका डर्मा से ही रिलेटेड है. डर्मा का मतलब क्या हो गया? आपका स्किन. और एपिडर्मिस का मतलब क्या हो जाता है? एपिडर्मिस का मतलब हो गया द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन. स्किन की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है इसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस. फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिस एंड कॉन्टेंट ऑफ एलोइन वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड इन दिस पेपर, यानी कि हमारे एपिडर्मिस हमारी जो स्किन का जो आउटर पार्ट है उससे रिलेशन की बात यहाँ पे की गई है. अगला टर्म इसी से बना है टैक्सीडर्मिस्ट. अब टैक्सीडर्मी देखो क्या होता है. टैक्सीडर्मिस्ट का मतलब क्या हो जाता है? हुज बिजनेस इज टैक्सीडर्मी. टैक्सी का मतलब हो जाता है आपका प्रिपेयर्स स्टफ्स एंड माउंट्स द स्किन ऑफ एनिमल्स. ठीक है, तो यहां पर टैक्सिस का मतलब हो गया एनिमल्स और डर्मा का मतलब हो गया स्किन. तो टैक्सीडर्मी का मतलब हो गया द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग स्टफिंग एंड माउंटिंग द स्किन्स ऑफ एनिमल्स एंड स्पेशली वर्टिब्रेट्स. तो एक तरीके से टैक्सीडर्मी से आया है. टैक्सिस का मतलब होता है आपका, ये टर्म आता है टैक्सिस से. टैक्सिस का मतलब होता है आपका अरेंजमेंट और आपका डर्मा का मतलब हो गया स्किन. तो अरेंजमेंट ऑफ स्किन, अब उससे टर्म बना है आपका द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग स्टफिंग एंड माउंटिंग द स्किन्स ऑफ एनिमल्स एंड स्पेशली वर्टिब्रेट्स, यानी कि जानवरों की खाल चढ़ाने वाला, जानवरों की खाल उतारना, जानवरों की खाल में कुछ भरना, इस सभी जो कला है इस सभी को हम क्या कहते हैं? आपका टैक्सीडर्मिस्ट. ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या हो गया? टैक्सीडर्मिक. ठीक, और इसी का नाउन बन जाता है आपका टैक्सीडर्मी. एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं ही इज प्रोबेबली द कंट्रीज टॉप टैक्सीडर्मिस्ट एंड ही इज सिक टू द गिल्स विद ईटिंग सैमन, यानी कि ही एक तरीके का वो टैक्सीडर्मिस्ट है, कंट्री का बेस्ट टैक्सीडर्मिस्ट है एंड ही इज सिक टू द गिल्स वाइल ईटिंग विद ईटिंग सैमन. ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है पैकीडर्म. अब देखो इसी से आया पैकीडर्म. पैकीडर्म क्या हो गया? डर्म. देखो ये सारे शॉर्ट टर्म किससे बन रहे हैं? आपके स्किन से बन रहे हैं. और जितने भी मैं बता रहा हूं इनको ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे. एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत पूछे जाते हैं. इसमें जो टर्म आया वो आया पैकी. इसका जो रूट वर्ड है वो है आपका पैकस. इसका मतलब हो जाता है आपका थिक. ठीक है, पैकस इसका मतलब हो जाता है थिक, दैट इज मोटा. डर्म मतलब स्किन, यानी कि मोटी स्किन. तो एनिमल विद यूजुअली थिक स्किन का मतलब हो जाता है पैकी डर्म. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं अ पैकीडर्म पिक्चर्ड एट अडो एलिफेंट नेशनल पार्क द ईस्टर्न केप रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका. तो पैकीडर्म पिक्चर यानी कि मोटी स्किन पिक्चर. ठीक है, मोटी स्किन पिक्चर ऑफ मोटी स्किन. ठीक है, थिक स्किन. इसी से बना अगला टर्म आपका डर्मेटाइटिस. अब देखो डर्मेटाइटिस किससे रिलेटेड है?
डर्मा से ही रिलेटेड आ रहा है अगेन फिर से आपका। तो डर्मेटाइटिस का मतलब क्या हो गया, आइटिस। डर्मा मतलब हो गया, डर्मैट मतलब हो गया स्किन, आइटिस उसी से आया जिसका मतलब हो जाता है इन्फ्लेमेशन और इंजेक्शन ऑफ द स्किन। फॉर एग्जाम्पल द फैमिली हैज कंप्लेन्ड ऑफ चेस्ट पेन, राइनिटिस, फटीग, हेडेक्स, रैशेज, डर्मेटाइटिस, वॉमिटिंग एंड मो। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया डर्मेटाइटिस, मतलब हो गया एक तरीके से स्किन में आपका इन्फ्लेमेशन होना, कोई रैशेज होना, कोई भी तरीके की बीमारी होने के लिए आता है आपका। ठीक है, चलिए अगले टर्म पर आ जाते हैं। ये सारे टर्म आपको सेशन टू में, सेशन फाइव में मिलेंगे आपका। ये सारा जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑल दिस इज गिवेन इन सेशन फाइव। ठीक है, चलो अगला टर्म हमारा है आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है एक मेडिकल प्रोफेशन हु स्टडीज एंड ट्रीट्स प्रॉब्लम्स एंड डिसीजेज ऑफ द आई। वो मेडिकल प्रोफेशनल जो कि आंखों से संबंधित बीमारियों को ठीक करता है या उन्हें ट्रीट करता है, उसे हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कैन टेल इफ योर आईज हैव बीन अफेक्टेड बाय डायबिटीज, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अगला टर्म आया आपका इसी से ऑप्टोमेट्रिस्ट, इसका भी मैंने बताया था। ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब क्या हो जाता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट में आपका जो रूट वर्ड आता है वो ऑप्टिशियन, ऑप्टोमेट्री ऑप्टिक्स आता है, ऑप्टिक्स मतलब होता है लाइट और उसी से बना ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो अब देखो यहां पर टर्म आया मेट्रिस्ट, मेट्रिस्ट का मतलब हो गया मेजर करना, द वन हु मेजर। ठीक, तो मतलब हो गया वन हु मेजर्स विजन, वन हु मेजर्स विजन, टेस्ट फॉर ग्लूकोमा एंड प्रेस्क्राइब फिट ग्लासेस, जो हमारे चश्मे टेस्ट करता है उसे हम कहते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टिशियन चश्मे बनाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंखों को चेक करेगा, उनमें बीमारी का पता लगाएगा, ऑप्टिशियन चश्मे बनाएगा, ऑप्टोमेट्रिस्ट चश्मे नापेगा। द के मार्ट्स इमीडिएट नेबर इन द शॉपिंग सेंटर इज ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑफिस, इज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑफिस, यानी कि चश्मे वाले का ऑफिस है। ठीक है, और ऑप्टिशियन मैंने बताया, अब मेकर और डीलर ऑफ डीलर इन ऑप्टिकल आइटम्स और इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉल्ड ऑप्टिशियन। ठीक है, द ऑप्टिशियन एंड आई नीडेड न्यू ग्लासेस, ऑप्टिशियन और मुझे नए ग्लासेस चाहिए थे। ठीक, अब अगला रूट वर्ड देखिए, अगला रूट वर्ड जो इन्होंने हमें दिया है ऑक्यूलस। ऑक्यूलस का मतलब क्या होता है, ऑक्यूलस इज आई, इससे वर्ड आया आपका ऑक्यूलर, ऑक्यूलर से बना मोनोकल या फिर बाइनोकुलर। ठीक है, ऑक्यूलर का मतलब हो गया, ऑक्यूलर क्या है, ऑक्यूलर एक तरीके का एडजेक्टिव है जिसका मतलब हो जाता है जो रिफर करता है आई की तरफ, या इसका मीनिंग हो जाता है दैट कैन बी सीन। सिनोनिम हो जाएगा ऑप्टिक, ऑप्टिकल या फिर विजुअल, और एंटोनिम हो जाएगा नॉन विजुअल। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कैन टेल इफ योर आईज हैव बीन अफेक्टेड बाय डायबिटीज, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बताया, ऑक्यूलर मतलब होता है समथिंग विच इज विजिबल दैट कैन बी सीन। ठीक है, अब देखो उसी से बना ऑक्यूलस, ऑक्यूलस मैंने आपको बताया आई, इसी से आपका क्या बनता है आपका मोनोकल। मोनोकल क्या है, अब देखिए इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, डॉक्टर्स जो आई वाले डॉक्टर होते हैं वो लगाए रहते हैं और वो आंख को टेस्ट करते हैं। सो दिस आई ग्लासेस फॉर वन आई, इस तरीके का जो आई ग्लास होता है दैट इज कॉल्ड आपका मोनोकल। ठीक है, समझ आया, मोनोकल क्या है, इस तरीके का जो आई ग्लास होता है दैट इज कॉल्ड, क्योंकि मोनो मतलब होता है सिंगल और ओकल मतलब हो गया स्कैन दैट कैन बी सीन, तो मोनोकल मतलब हो गया एक आंख वाला आई ग्लास। ठीक है, ही वोर राइडिंग बूट्स एंड मोनोकल एंड हिज फेस वॉज मेड शेपलेस बाय ड्यूलिंग स्कार्स। ठीक है, अगला बना बाइनोकुलर्स, तो बाई मतलब हो जाता है टू, ऑकुलर मतलब हो गया आई, मतलब हो गया बाइनोकुलर यानी कि दो आंखों वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी डिजाइंड फॉर साइमल्टेनियस यूज बाय बोथ आईज, आप सभी को पता है ये हम कहते हैं दूरबीन को। ठीक है, He put the binoculars back in their carrying case. इसको आपको ग्रामर के सेंस में याद रखना है कि this is always plural, और इसका सिंगुलर बनाते वक्त हम कहते हैं a pair of binoculars. ठीक है, अगला इसी से अब आगे एक बारी सारे वर्ड्स का रिवीजन कर लेते हैं। ये हमने सेशन फोर एंड सेशन फाइव का पूरा डिस्कशन कर लिया है, नाउ लेट्स रिवाइज द वर्ड्स एंड देन वी विल वाइंड अप द सेशन। गायनेकोलॉजिस्ट महिलाओं की डॉक्टर, ऑप्टेट्रिशियन हो गया जो डिलीवरी में मदद करता है, पीडियाट्रिशियन हो गया जो बच्चों की केयर करता है, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया जो स्किन की केयर करता है, स्किन का डॉक्टर है, ऑप्टोमेट्रिस्ट चश्मे नापता है, डर्मेटोलॉजिस्ट आपका स्किन केयर करता है, हाइपोडर्मिक हो गया, हाइपो मतलब हो गया अंडर, डर्मिक मतलब स्किन यानी कि स्किन के अंदर इंसर्ट किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट,
एपिडर्मिस मतलब हो जाता है आउटर मोस्ट लेयर, टैक्सीडर्मिस जो स्टफिंग करता है स्किन के अंदर, और पैकीडर्म हो गया आपका, पैकी मतलब हो गया एनिमल, पैकी मतलब हो गया थिक एनिमल विद यूजुअली थिक स्किन। डर्मेटाइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन स्किन, यानी कि कुछ रैशेज या कुछ जलन वैसी प्रॉब्लम। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गया आंखों के देख रेख करने वाला डॉक्टर, ऑप्टोमेट्रिस्ट नापने वाला, ऑप्टिशियन जो चश्मे बनाता है, ऑक्यूलर देखा जा सकता है मोनोकल एक आंख वाला चश्मा जो होता है, और बाइनोकुलर हो गया दो आंख वाला दूरबीन को कहते हैं। पेडागोजी हम कहते हैं पढ़ाने की कला को, पेडेस्टल आपका बेस या फाउंडेशन। पीडियाट्रिशियन हो जाता है बच्चों का डॉक्टर, डेमेगॉग्स हो जाते हैं द वन वो पॉलिटिकल लीडर जो भड़काऊ भाषण देते हैं, पेडागॉग हो जाता है टीचर जो सोचता है उसे सबसे ज़्यादा आता है। सो लेट्स कीप इट टिल हियर, हमने इसमें आज के क्लास में डिस्कस कर लिया है सेशन फाइव, सेशन आपका फोर एंड फाइव, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे सेशन सिक्स, इसीलिए आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि दो सेशन हमने इसमें डिस्कस किए हैं। और अब अगला वीडियो आपको मिलेगा मंडे को या फिर ट्यूसडे को, या फिर आपको दो दिन मंडे या फिर ट्यूसडे में से किसी एक दिन आपको वीडियो मिलेगा, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि कल संडे है तो कल तो आपको देखिए कोई वीडियो नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले भी बता देता हूँ, कोई भी आपको जब भी मेरा कोई भी क्लास सेशन या कोई भी क्लासेस वगैरह होगा तो मोस्टली आपको संडे को मेरा कभी क्लास वीडियो नहीं मिलेगा क्योंकि मैं संडे को क्लास नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करें अगर क्लास में, इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि बाकी जो आपकी वीडियो सीरीज़ है एसएससी सीपीओ वाली वो बहुत ही जल्द लागू होगी, स्टार्ट होगी वापस से, उसमें आपको मैं लाइव कराने वाला हूँ। बट वो लाइव होगा कब दैट उसके बारे में अभी जानकारी मैं आपको थोड़े दिन में दूंगा, लेकिन पहले अभी वो आपका रोक दिया गया, रिकॉर्डेड नहीं आएगा, वो सेशन आपके लाइव आएंगे। ये सेशन आपको रिकॉर्डेड ही मिलेंगे इसी चैनल पर। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एट अमन त्रिवेदी टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी लिंक पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। डेली असाइनमेंट मैं देता हूँ amantrivedi.com पर, तो उसे एक्सेस कर सकते हो, डेली असाइनमेंट आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 8299117042 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट के बारे में बात कर सकते हो। AMANT मेरा रेफरल कोड है जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मंडे से नया बैच शुरू हो रहा है जिसमें 4 से 6 बजे तक मेरी लाइव क्लास होगी, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये क्लास देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।